तो चलिए आ गए हैं किचन में और ब्लॉग स्टार्ट अभी से कर रहे हैं। टाइम हुआ है 12:37 हुआ है। रिशित स्कूल में, इनके पापा ऑफिस में, तो ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है और ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग हमारे किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो किचन में आए हैं क्योंकि आज हमें करनी है ढेर सारी कुकिंग। मेरी फ्रेंड आ रही है 3 डेज के लिए और क्या क्या बनने वाला है वो भी शेयर करेंगे। क्या क्या बनने वाला है वो बताएंगे, शेयर नहीं करेंगे, वो टाइम लग जाएगा। अभी आए हैं और आज शाम में कितने 9 बजे तक वो लोग आएंगे और क्या क्या हम तैयार किए हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बस ये एक चाशनी, ये देख रहे हैं, ये गुलाब जामुन बनाना है तो उसके लिए चाशनी बस तैयार हुआ है। ये तो देख रहे हैं पैकेट आ चुका है, इसको बनाना है। साथ साथ बनेगा क्या क्या, दाल फ्राई बनेगा, एक कटहल बनेगा, उसके बाद एक पनीर का सब्जी बनेगा। देखते हैं, पनीर बन चुका है, पनीर कल बनाया है तो पनीर बन चुका है। पनीर का कौन सा सब्जी, मटर पनीर, पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, देखते हैं क्या बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये इतना रो रो के प्याज कट किए हैं, समझे तो। और यहाँ पे ये झाजी कटहल खोल के गए हैं तो इसको बॉईल करना है पहले। तो सबसे पहले इसको बॉईल करते हैं, कटिंग करते हैं, बॉईल करते हैं, उसके बाद फ्राई वगैरह करेंगे। तो चलिए फटाफट काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऋषित को अभी हमें पिक करना है स्कूल से, उसके बाद शॉपिंग करना है, थोड़ा सा ना ग्रोसरी भी, दही वगैरह लाना है, थोड़ा सा सैलेड के लिए खीरा लाना है, वो सब लाना है, तो वो भी मेरे को ही करना होगा। झाजी को बिल्कुल ही आज टाइम नहीं है। और थोड़ा सा क्लीनिंग झाजी कर दी है, थोड़ा सा क्लीनिंग और करना है। तो चलिए जैसे जैसे कुछ भी अपडेट होता है तो दिखाते जाते हैं और मजा आने वाला है। और ये मेरी फ्रेंड आ रही है, पहले दुबई से बर्लिन आई, बर्लिन में है और बर्लिन से मेरे से मिलने आ रही है, अब वापस इंडिया चली जाएगी। हाय राम, क्या करेंगे, वापस चली जाएगी, मन नहीं लगेगा फिर। मेरे को रोना अभी से ही आ रहा है, किसी से दोस्ती मत करना चाहिए जल्दी जल्दी, बहुत रोना आता है बाबा। किसी से अच्छा दोस्ती हो जाए और उसके बाद बिछड़ जाता है ना, या फिर दूर हो जाए किसी रीजन से, कुछ होता है ना, तो बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ इधर होता है इधर, समझे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा रसगुल्ला यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, मस्त लग रहा है। झाजी 2 बार आके गए हैं, देख के खाएं क्या, इतना सुंदर लग रहा है, खाएं क्या। चलिए इसको ना क्या करते हैं ना, ये ठंडा हो चुका है, इसको ना लंच बॉक्स में डाल देते हैं जी, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन में रहेगा तो ज्यादा अच्छा। जय देखिए, हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं, पधार रहे हैं, उनके खुशी में, आने की खुशी में बना है ना, ना, ना। नान बाबा की, बोलो बोलो नान बाबा की जय हो। आज तो नान बन रहा है फ्लफी फ्लफी, देख लीजिए भाई आप, देखे वो तो निकाल दिए आप ना, नहीं तो एकदम पूरा लग रहा था कि अब फाड़ के निकलेगा वो। अभी ऋषित के लिए बनाना है क्योंकि ऋषित सुबह स्कूल जाएंगे ना, तो जल्दी वो सोएंगे, उन लोग को तो 9:30 तक, देखते हैं कब तक आते हैं। हाँ, फिर हम थोड़ा कैपेसिटी करेंगे, फिर आराम से खाएंगे पियेंगे, बउआ अपना सो जाएगा ताकि सुबह उठ जाए आराम से। सुबह लंबा है क्लास, समझे, लग रहा है कि हम ऐसे बेहोश होने वाले हैं, बेहोश होने वाले हैं ना, लग रहा है ना आपको, देखिए इसीलिए होश की गोली दें आपको। ज्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए, पूछिए क्यों, जब कोई जाता है तो दिल हमारा टूटता है। आय हाय, आय हाय, आय हाय, इस टूटे दिल के टुकड़े समेट रहे हैं हम कब से। कितना बार दिल टूटा है तेरा स्मिते, कॉलेज में 10 बार, आई सो स्कूल में, स्कूल में 15 बार, आई सो शादी के बाद, शादी के बाद 6 बार, दिल के टुकड़े टुकड़े, 6 बार का टूटा हुआ ही दिल है तेरा, हमको तो लग रहा है जानू,
टुकड़ करके मुस्कुरा के अगम कुमार निगम को मारो, जहाँ कहीं भी अगम कुमार निगम दिखे धो धो के उसको। इतना अच्छा तो गाता है, क्या दिक्कत। हमने बीवी आई थी ना, तो उसका गाना सुना सुना के हमको इतना पकाए ना, अब मैंने बैन कर दिया, उसका नाम कोई नहीं लेगा घर में मेरे सिवा। अगम कुमार निगम मैंने लिया, नगर निगम का लग रहा है। जनाजा मेरा उठने से रहेंगे मेहंदी ना लगाऊं। हमको लगा बोले कि जनाजा अपने से पहले कुछ पैसे तो दे दे रहे बाबा, एक आईफोन तो दे दे रहे बाबा। आईफोन दे दो ना यार, एनिवर्सरी गिफ्ट दे दो, वैलेंटाइन गिफ्ट दे दो, कुछ तो दे दे रहे बाबा। देखिए बहुत लोग नान का सेटिंग बोल रहे थे ना। हाँ हाँ, नान का सेटिंग चल रहा है। नान का सेटिंग सबसे पहले देखिए, प्री हीट हम कर चुके हैं पहले। हाँ। प्री हीट आप 150 पे भी कर सकते हैं, 180 पे भी कर सकते हैं। हाँ। तो अभी हमें बनाना है नान। ओके। तो नान के लिए हमने सबसे हाई वाला फ्लेम रखा है, सबसे हाई पे रख दिया। हाँ। ठीक है। और ये वाला पे हम अभी ऑन किए हुए हैं, ग्रिल का जो मोड है ना ऊपर वाला, ये ग्रिल वाला। तो आप ये दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। आप कौन सा करते हैं जो बताइए? हम ये करते हैं समटाइम, और जब ज्यादा धुआं होता है जैसे अभी देखिए, अरे बाप रे, तो इसको थोड़ा सा चला देंगे, उधर कर देंगे। हाँ, समझे, समझ गया। इस पे हम बनाते हैं नान। बहुत लोग बोलते हैं नान नहीं बन पाते हैं, क्रिस्पी हो जाता है, तो आप ट्राई कीजिएगा। इसका टेम्परेचर हमेशा ना हाई पे रखिएगा, लो नहीं कीजिएगा। लो में क्या होता है, नान आपका ना कुरकुरे पापड़ हो जाएगा। ठीक है। और इसको यहाँ पे ये ग्रिल मोड में रखिएगा, और ना ये दोनों पर ये सब पिज्जा का है, केक का है, उसे मत कीजिएगा, और देखते रहिएगा। जैसे रेड हुआ, टर्न भी कर दीजिएगा ना दोनों। तो ये देखिए, पलटे पलटी भी करना पड़ता है ना, बहुत धुआं भर गया यार। तो आज दरवाजा आगे खोले क्या, नहीं तो घंटी बजेगा। घंटी बजेगा। वो साफ हुआ है ना क्या, इसका ये प्लेट। हाँ, तो इसलिए ज्यादा धुआं होता है क्या, वो साफ देखे धुआं बढ़ता है क्या, कि जहाँ देखे सुंदर नारी वहीं आंख मारी, वही से है क्या। चलिए हम जो दरवाजा खोलते हैं। संतोष जी और कल्पना जी, हम आ रहे हैं वीडियो लेके, सबको अच्छा अच्छा पोज में आ जाइए आप लोग। ये जो है हमारे धोखेबाज दोस्त, हमें छोड़ के जाने का तैयारी कर रहे हैं। बर्लिन जर्मनी को बाय बाय। अब हम आपको मिलाते हैं हमारे कल्पना जी से। नमस्कार। भाई जानू, दो दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, चलती है। ऐसे नहीं बोलते ना। कल्पना जी को ना हम लोग, अरे चाय का मतलब ये क्या कर रहे हैं उगाल रहे कल्पना जी, चाय बोले थे आप बनाइएगा, चाय इधर बन रहा है। अरे उसमें जीरा और डाले क्या, लग रहा चाय में फोरन डाला है। नहीं नहीं, ये टेस्ट अच्छा आता है, लेमन टी का। हाँ, अरे तुझे तो नया बात पता चला है, मेरी बीवी रोने लग गई देखिए। हाँ, इसलिए ना हम लोग दोस्ती नहीं करते हैं अब, समझे। सच में रो रही है क्या? तो आपने तो क्या, अरे 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 हम छोड़ने वाले नहीं है, बैंगलोर से क्या जब तक रहेंगे तब तक। ना नहीं, आप तो चल दिए हैं, हमारी बीवी को रुला रुला के एकदम ना रोना नहीं है। मेरा टीवी कैसा लगा ये बताइए। टीवी की टीवा है तू, संतोष जी धन पर पागल हो गए। संतोष जी, ओरिजिनल प्राइस पता है, 200 यूरो कैश बैक भी आ गया टीवी का। ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल था 1000 था। अच्छा, 200 आ गया। हाँ। कितना बड़ा 800 यूरो का टीवी है, बताइए। हाँ, अच्छा डील है कि नहीं? 1500 यूरो टीवी ले चलिएगा इंडिया। हाँ? इंडिया 75 इंच ले चलिएगा, मेट्रो में दिला देंगे सस्ता, 750 में ले जाने का, फिर वहाँ टैक्स लगेगा। अच्छा जी, या तो ये टीवी गिफ्ट देंगे या तो हमको फ्रिज गिफ्ट दिलवाइए। कल्पना जी, चाय अगर अच्छा नहीं होगा, चाय तो बहुत उम्मीदें हैं, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए भाई। सुनिए ना, उन्हें अच्छा होगा ना, इसीलिए अपने इतनी ली। आइए संतोष जी, कल्पना जी, अगर नहीं बढ़िया हुआ, झा जी सुनिए, अगर नहीं बढ़िया हुआ, समझे, तो हम बोलेंगे एक बार और चाय बना, एक बार और दूध वाला। दूध वाला, हाँ, बढ़िया आ रहा है, इसका काला नमक का टेस्ट आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किचन की ओर, देखिए हमारे धर्मपत्नी क्या बनाते हुए। हाँ 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 हाँ,
मस्त लग रहा है जानू, एक नंबर मसाला जो है ना एकदम बन रहा है, तैयार हो रहा है, क्या खुशबू आ रहा है भाई। हम अपनी प्यारी दोस्त के लिए पाव भाजी बना रहे हैं। वाह 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 वाह, हमारी प्यारी दोस्त, क्या बात। तो पाव भाजी बनने का, यहाँ देखे पाव जो यहाँ पे पहुँच चुका है, भाजी वहाँ तैयार हो रहे हैं। कुरियर हमको पहले खोलना है, अभी आया है कुरियर, कुरियर खेलेंगे अभी हम लोग। नहीं सब बोलेंगे कि कितना कुरियर मंगाती है, सब्जी बोलती है सब्जी नहीं है, खाली रोज इसका कुरियर आता है, चलिए इसको कम कर देते हैं क्योंकि उसमें सब्जी है। चलिए तो कुरियर खोला जाए, है ना। ये देखिए हमारा जो है ना कुरियर यहाँ पहुँच चुका है। वाह, धारदार चाकू से खचाखच खचाखच छोटे हुए, क्या बात है मैडम। मैडम बहुत भारी है, आराम से ज़्यादा जोर से मत आइएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहले पूछिएगा कहाँ मंगाए, नहीं बताएंगे हम नहीं पूछेंगे हम नहीं बताएंगे हम पूछ रहे हैं। पूरा भर के आया है भाई। इस बार हम ऑर्डर दिए थे 250 यूरो हुआ है, फिर उसको कम करते 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 कितना भी कम किए 180 यूरो टोटल हुआ। बाप रे, इस बार का कुरियर सबसे महंगा, इस बार का कुरियर सबसे ज्यादा लगा ना पैसे, आप ना जानो लूट लीजिए। और उससे पहले मंगाए थे 80 यूरो का, उस समय था लास्ट वीक। बाप रे बाप, मतलब महीना लूट गए, बर्बाद हो गए। हम बोलते हैं कि मत खाओ पियो। अच्छा चलिए बंद करते हैं। बहुत ज्यादा ना वो कुरकुरे रखेगा, ये नहीं रखता है और महंगा रहता है। ये देखिए ये पार्ले जी ना आपको ना 24 का सेट पड़ेगा 10 यूरो में, और ये 12 का सेट 5 यूरो में पड़ेगा। झाजी बोले बहुत सस्ता है, बोले कि अब खाना पीना छोड़ के पार्ले जी कल्पना जी चाय बनाएंगे और पार्ले जी स्मिता देगी, अभी हम लोग चाय बिस्किट खाएंगे। जानू डिसाइड करो, लंच डिनर में आम खा रहे हैं स्लाइस की पार्ले जी। देखिए ये गलती से आया तो इसको तो निपटा देंगे। कभी कुछ बना सकते हैं ना, मैं उसे ये क्या है ना, देखिए 4.5 यूरो में ये भी दिया, 4.5 यूरो में वो भी देता है, ठीक है। उसमें क्या है ना, इसमें ये पूरा थक्का थक्का रहता है, इसको निकालिए ग्राइंड कीजिए पीसिए, क्या था सीधे पलम ढालते थे बना लेते थे, अभी एक पैकेट बनाते हैं दिखाते हैं आपको खोल के, समझे। हमारी बीबी की मेहनत है ना, हर बार गलती होता है। लास्ट टाइम क्या किए थे ना छोटे, जैसे 850 ग्राम है ना, 450 ग्राम मंगा लिए थे, प्राइस सेम, ठीक है, ये गलती हुआ था। तो देख सकते हैं पूरा दुकान लगा के हम भी धर्म पत्नी जो है ना, हमको क्या फायदा सोच हुआ, रही पता है आपको फायदा हो गया, ये मसाला दो दिया, दो दे दिए क्या, ये वो मंगाए थे। असो गलत तो नहीं पड़े हैं, हाँ हम ही गलत पड़े हैं जानू, आप ऐसा मत कीजिए, आप कोई फायदा वायदा नहीं हुआ है। तो बोलिए अब चला जाए बाहर, जो है लगाते हैं दुकान, एक का दो एक का दो एक का दो करते हैं। कल्पना जी आईबे किए हैं, कल्पना जी को बैठा देंगे। यहाँ पे लगाता है ना जर्मन लोग का, हम भी सोचे इस बार परमिशन, हाँ घर के आगे, यहाँ घर के आगे ना परमिशन लेके ना कपड़ा उपड़ा जूता चप्पल लेके बैठ जाइए। पुराना सामान का रिसाइकल होना जरूरी है ना, काहे ना, ये लो बेटा ये ले जाओ, मम्मा बोलो चाय बनाने। मम्मा बोलो दूध वाली चाय और साथ में हम लोग ये खाएंगे, चाय बिस्कुट। एक का दो सारा, ओके अरे ओपन कर ले जो ना खाएंगे, और ये सारा सामान जाएगा नीचे, झाजी ट्रांसफर कीजिए। झाजी कौन है यहाँ पे, अरे भाई झाजी जहाँ कहीं भी उपस्थित हो जाओ, झाजी झाजी कहाँ है, संतोष जी कहाँ है, संतोष जी को बुलावा आया है, सब बहुत काम करना है अभी। सुनिए ना बैठे रहते हैं, संतोष जी को भी खरीदने देते हैं बेचारे, उनको भी संतोष जी नहा धो के आएंगे, उनको बोलेंगे। ये था हमारा शॉपिंग, समझे, कल्पना जी के आने की खुशी में नहीं था। कल्पना जी बर्लिन से इतना लेके आए हमारे लिए, थैंक यू कल्पना जी इतना लाने के लिए। पैसा नहीं मिलेगा।
उम्मीद मत रखिए। और कुछ है अगर सोना होना भी है वैसे भी आप इंडिया अब आप चाय बनाइए। आप संतोष जी के हाथों से शुभ हाथों से चाय बनने वाला है। आप लोग वो अपना काम करने और हमारा यहाँ पे हम बनाइए बनाइए जल्दी वीडियो बंद करिए। रोले रोले मेरी बीबी रो लीजिए रो लीजिए। जे देखिए दोस्ती दोस्ती की मिसाल खोल के देख लीजिएगा। हम प्यार दिए आपको। चाय पीजिए चाय पीजिए। चाय का बेईमान आदमी इधर लीजिए। नहीं नहीं मैं ठीक है। जे देखिए कल कलमा जी को स्मिता कितनी कम चाय दी है। बेईमान स्मिता जय देखिए संतोष जी और कल्पना जी के जो है ना स्वागत में अंडा कड़ी। क्योंकि हमारे संतोष जी का ये फरमाइश था। स्मिता ने पूछा आपको क्या चाहिए और ये भी दिखाइए। देखिए ये ऑमलेट भी आ रहा है एकदम वाओ गजागज लग रहा है एकदम। संतोष जी बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। बताइए ऑमलेट भी है। ऑमलेट भी आ गया लेकिन आदमी सिर्फ सिर्फ यहाँ पे आदमी चार ऑमलेट तीन नाइन बहुत नाइन सा भी। कौन नहीं खा रहा है। नहीं नहीं अंडा घट गया। अशो अंडा बाप रे बाप दो दो पैकेट अंडा कम हो गया जानू। क्या किया आप खाए हैं लग रहा था बाहर के किचन में ना। ऑमलेट खा चुके हैं आसो इसीलिए 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 कम हो गया। अरे चाय पे चर्चा चाय पे चर्चा। हमारे संतोष जी अब हमें छोड़ के जा रहे हैं। हमारा दिल इतना दुख रहा है ना बस दिल से दर्द एकदम एकदम आंसू निकल रहा है। दर्द जो है इधर पूरा बढ़ गया है। आप लोग ऊपर थे ना तो हम बतिया रहे थे रो तो नहीं रहे थे लेकिन छलक ही जाता है एकदम। नहीं ये कॉमेडी नहीं है सीरियस हर चीज को मजाक की ऐसा नहीं है। ऐसा सोचिए दोनों बतिया रहे थे बढ़िया नहीं लग रहा है अभी लोग जो है ना। देखिए एक उम्मीद होता है ना कि अभी मिले दो महीना बाद फिर हम आएंगे मेरा टर्न। हम लोग कुछ पता ही नहीं चलेगा अभी कब क्या होगा कब क्या होगा ये बस लगता है। हम लोग इंडिया जाएंगे वापस। कोई नहीं वो जो हम दिए ना उसको ना वहाँ रखिएगा सामने में लिविंग रूम हमको याद करते हैं करते हैं सामने में रखाएगा इनका क्या रखिए। गाली में दीजिएगा तो भी चलेगा लेकिन याद जरूर कीजिएगा। गाली क्या देगा सफर बहुत अच्छा था बहुत बढ़िया मजा आया। चलिए मेरे ये पकड़ नए दिन हम लोग रहे हैं ठीक है यादगार पल रहा हमारा। अरे रुलाइए हम देखना चाह रहे हैं रियल में कैसे दिख रहे हैं। दो तीन दिन से मेकअप में दिख रहे हैं। जानू आप भी रोइए थोड़ा दो दो लड़की को मेकअप में जो है ना रियल चेहरा दिखाना है अभी। एक नंबर की भूतनी और क्या टीवी है तो आप लोग आपको क्या लग रहा था जो मूवी देखे थे मेकअप हटाया 60 साल के लगेंगे। मेरी बीवी एक जो है ना फिल्म का ना सजेशन दी डायन और नागिन बोले ऐसा कोई मूवी नहीं है याद रखिए।